ठीक है भाई, देख लेते हैं ये सवाल अपन से क्या कह रहा है। अ ट्रैवलिंग न्यूक्लियस ए हैविंग डी ब्रॉयल वेवलेंथ लैम्डा ए स्पॉन्टेनियसली स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियाई बी एंड सी ऑफ इक्वल मासेस। आफ्टर अ स्प्लिट बी ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन वाइल सी ट्रैवल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ बी। द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एच एंड लैम्डा सी विल बी। ठीक है, लैम्डा ए एंड लैम्डा एच क्या है यहाँ पर? वैल्यूज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा बी हो गए, लैम्डा बी एंड लैम्डा सी विल बी। ठीक है, तो ए न्यूक्लियस है, मान लो इसका मास एम है, ये चलते चलते रास्ते में स्प्लिट हो गया दो में, राइट, स्पॉन्टेनियसली। बोल देते हैं इसको बी और सी, इक्वल मासेज मतलब एम बाय टू और एम बाय टू, करेक्ट, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, वाइल B travels in the same direction and C in the opposite direction, right? With a speed equal to half of B. तो इसकी स्पीड मान लो V है, तो इसकी स्पीड V by 2 हो और opposite direction में V by 2, समझ रहे? Opposite direction में V by 2, यही बताया गया। The values of the de Broglie wavelength lambda B and lambda C will. तो यहाँ पे आपका फंडा क्या लगेगा कि lambda जो होता है वो h upon p होता है, p क्या है? Linear moment. तो अगर आप b के लिए लिखना चाहते हैं तो वो होगा लैम्डा अपॉन मोमेंटम ऑफ a और मोमेंटम ऑफ b, और मोमेंटम ऑफ b को आप लिख सकते हैं मास ऑफ b मतलब मास ऑफ a बाई टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ b, करेक्ट। सिमिलरली लैम्डा c लिख सकते हैं आप 2h अपॉन m a v c। तो अब आपको सिर्फ vb और vc लिखना है, क्या आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? राइट भाई, आपको दिया हुआ है कि ट्रैवलिंग न्यूक्लियस की वेवलेंथ लैम्डा ए है, तो क्या आप लिख सकते हैं लैम्डा ए की वैल्यू एच बाई पी ए, राइट, एच अपॉन एम ए इंटू यू, करेक्ट। तो यू की वैल्यू आपको पता चल गई एच अपॉन एम ए इंटू लैम्डा, ये ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ ए, करेक्ट। आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो तो क्या मैं बोल सकता हूँ एम टाइम्स यू, यानी कि h अपॉन एम ए लैम्डा, दिस इज ऑल्सो एम ए, इक्वल्स टू मास ऑफ b, यानी कि एम ए बाई टू, वेलोसिटी ऑफ b, यानी कि v, माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि c आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो माइनस मास ऑफ c, एम ए बाई टू, v बाई टू। इसको सॉल्व करोगे तो आपको v मिल जाएगा, v मिल जाएगा तो आप उसको यहाँ पेल दो v, और यहाँ पेल दो v बाय टू, करेक्ट, आपको लैम्डा बी और लैम्डा सी मिल जाएगा, वो आ रहा है आपका ऑप्शन बी। ऑलराइट, भाई देख लेते हैं ये सवाल अपन से क्या कह रहा है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज इज 91.2 नैनोमीटर, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द सीरीज इज वॉट। ठीक है, तो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड, ये आपको पता होना चाहिए भाई, लाइमन सीरीज में एन इनिशियल कुछ भी हो सकता है पर एन फाइनल फिक्स होता है वन। जो लाइमन ट्रांजिशंस होते हैं लाइमन सीरीज में वो वन पे आता है। सिमिलरली बामर सीरीज की अगर कोई लाइन है तो फाइनली इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके कहाँ आता है? टू पे आता है। सेम गोज विद पास्चन ब्रैकेट फंड, राइट। तो आपको बोला है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसका मतलब सीधा सीधा निकाला जा सकता है लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, और लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब लार्जेस्ट एनर्जी, क्या करेक्ट। तो अगर n इक्वल टू वन पे आना है और मैक्सिमम एनर्जी गैप रखना है तो क्या अपन बोल सकते हैं n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके आ रहा है, राइट, लार्जेस्ट एनर्जी गैप तो वही होगा। सिमिलरली हाँ, ये आपको दिया हुआ है 91.2, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में 91.2 नैनोमीटर के हिसाब से आप एनर्जी दे दो तो वह एन इक्वल टू वन से खत्म हो जाएगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन से आप इतनी एनर्जी निकाल दो तो एन इक्वल टू वन पे आ जाएगा, राइट, इसी को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोलते हैं। तो आप बोल रहे हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द सीरीज इज, कहना इसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी गैप, मिनिमम एनर्जी गैप कब होगी? जब आप डायरेक्ट 2 से 1 डी एक्साइट करवा दें, राइट, तो आपका n इनिशियल क्या हो गया? 2, n फाइनल क्या हो गया? 1, लगा दो आपका
एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू रिडबर्ग कॉन्स्टेंट 1/2² - 1/1² - राइट इसको सॉल्व करो और आपको बोला है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता है मतलब आपको लैम्डा शॉर्टेस्ट इक्वल्स टू माइनस रिडबर्ग 1/∞² - 1/1² ये वैल्यू आपको पता है इसको उठा के यहाँ पे ले दो तो आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी लैम्डा लॉन्गेस्ट राइट ये आपके आ रही है 121.6 नैनोमीटर ऑल राइट सेकेंड यहाँ पे एच सी नहीं आएगा राइट एच सी नहीं आएगा फील में मैंने एच सी गलत पिल दिया इग्नोर एच सी फ्रॉम दिस प्लेस राइट दिस इज सिंपली 1/1 ठीक है भाई देख लेते हैं ये सवाल अपन से क्या कह रहा है इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर ठीक है तो अगेन आप क्लास में आपने देखा होगा लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड किसको किसको बोलते हैं राइट लाइमन लाइन जो होती है आपकी दैट गोज फ्रॉम एन इनिशियल कुछ भी हो सकता है एन फाइनल उसका होगा 1 सिमिलरली बामर वाली जो लाइन होगी एन इनिशियल कुछ भी हो सकता है एन फाइनल होगा 1 याद आ रहा है पाश्चन एन फाइनल 3 सिमिलरली ब्रैकेट फंड एंड फलाना ढिमकरा तो आपको बोला गया कि रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर लैम्डा लॉन्गेस्ट इन लाइमन डिवाइडेड बाय लैम्डा लॉन्गेस्ट इन बामर ये रेशियो आपको निकालना है कितना है ठीक है तो आप लगा दो 1/λ longest in Lyman राइट लाइमन मतलब फाइनली 1 पे आना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कंसेप्चुलाइज करो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी गैप और मिनिमम एनर्जी गैप है और आपको 1 पे आना है तो कहना इसे आपका 2 से 1 ट्रांजिशन आएगा फॉर लाइमन राइट तो आप इसे लिखेंगे माइनस रिडबर्ग कॉन्स्टेंट 1/2² - 1/1² इज दिस करेक्ट और सिमिलरली आप बामर के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लिखेंगे तो अब बामर के केस में आपको फाइनली किस पे आना होता है 2 पे राइट तो आप इसे लिखेंगे माइनस आर वाई और अगर लार्जेस्ट वेवलेंथ है तो बामर के लिए आप मिनिमम एनर्जी गैप लिखेंगे कि अच्छा भैया तुम 3 से 2 पे आ जाओ राइट 3 से 2 पे आ जाओ तो 1/3² - 1/2² राइट इन दोनों चीज़ों का रेशियो आपको उठाना है भाई रिडबर्ग कॉन्स्टेंट कैंसिल हो जाएगा डिवाइड मारो देख पा रहे हो भाई ये आएगा 27/5 या फिर 5/27 ठीक है सॉल्व कर ले भाई देख लेते हैं ये सवाल अपन से क्या कह रहा है इफ द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z41 इज आई तो देन एटॉमिक नंबर फॉर एन एटम के अल्फा एमिट्स विद वेवलेंथ 4λ s ठीक है तो एक एटम है उसका के अल्फा रेडिएशन आपको बताया हुआ है 41 एटॉमिक नंबर है इज दिस देन एटॉमिक नंबर फॉर एन एटम जो कि 4 गुना ज्यादा लैम्डा प्रोड्यूस करता है तो क्या आपको याद है भाई मोस्लेज लॉ राइट 1/λ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z-1 का होल स्क्वायर राइट तो आप लिख सकते हो λ1/λ2 इज Z2-1 का होल स्क्वायर अपॉन Z1-1 का होल स्क्वायर इट इज λ1 ठीक है तो अब आपको बताया गया Z=41 है तो λ1 है तो यहाँ पे 41 रख देता हूँ λ1/λ2 = Z2-1² / 41-140² आपको बताया कि ये 4 गुना है तो ये 1 है तो ये 4 है सॉल्व कर दो Z2-1² = 40² / 4 1600/4 400 तो Z2=20+1 = 21 राइट तो जिस नए एटम की बात हो रही है जिसमें के अल्फा की वेवलेंथ 4 गुना है उसका एटॉमिक नंबर होगा 21 ऑल राइट
भाई देख लेते हैं ये सवाल अपन से क्या कह रहा है। लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हुज फोटॉन्स हैव एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली सक्सेसफुली इल्यूमिनेट अ मेटेलिक सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट जिनके फोटॉन्स की एनर्जी आपको रिस्पेक्टिवली दी हुई है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक मेटेलिक सरफेस पर पड़ती हैं जिसका वर्क फंक्शन है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम स्पीड एमिटेड कितनी होगी दोनों केसेस में? तो भाई ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल। मान लो ये आपका मेटल सरफेस है, ठीक है, इसका वर्क फंक्शन आपको बताया हुआ है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और दो अलग अलग लैम्डा की लाइट इस तरीके से कि एक लाइट का जो फोटोन की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरी लाइट के फोटोन की एनर्जी है 2.5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों में वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी नोट कर पा रहे, 0.5 से तो ज़्यादा है, तो दोनों केस में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, राइट। हाँ, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी। मान लेते हैं इसको K1, इसको K2, राइट, क्योंकि इसको E1 और इसको E2 बोल रहे। तो E1 की लाइट अगर पड़ी तो K1 वाले इलेक्ट्रॉन्स निकले, E2 की लाइट अगर पड़ी तो K2 वाले इलेक्ट्रॉन्स निकले। लगा दो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोला था आइंस्टीन बाबा ने कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम फोटोइलेक्ट्रॉन्स की वो उतनी ही होगी जितनी आपने ओरिजिनल एनर्जी दी माइनस मेटल का हफ्ता। मेटल अपना हफ्ता काटेगा, कितना हफ्ता काटेगा, वर्क फंक्शन जितना हफ्ता। तो पहले केस में K1 इज h𝛎1 माइनस मेटल का हफ्ता यानी कि 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और K2 इक्वल्स टू h𝛎2 माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। h𝛎1 इज 1 माइनस 0.5 बचा 0.5, 2.5 माइनस 0.5 बचा 2 इलेक्ट्रॉन। तो K1 K2 की वैल्यू आपको पता चल गई। रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड्स, तो अगर K1 अपॉन K2 पता चल गया तो आपको हाफ mEV max 1 का स्क्वायर अपॉन हाफ mEV max 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, ये चल बसेगा। तो दिस इज 0.5/2 इज इक्वल्स टू V max by V max 2, राइट, इसका अंडर रूट कर दो तो 1/4 का अंडर रूट हाफ, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन डी। तो ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ इस एक्सप्रेशन पे बेस्ड था, ये ही इसका कंसेप्चुअल बेसिक है। भाई देख लेते हैं ये सवाल अपन से क्या कह रहा है। एन एक्सरे ट्यूब प्रोड्यूसेस अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन विद अ कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इतना, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इन द रेडिएशन इज, ठीक है। तो एक एक्सरे ट्यूब है जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना रही है और उसकी कट ऑफ वेवलेंथ है इतनी। तो भाई एक्सरे का स्पेक्ट्रम याद करो, भाई कहीं ना कहीं एक वैल्यू से कट ऑफ वेवलेंथ से शुरू करता है, राइट, उसके बाद ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है। हाँ, गलती हो गई, एकदम कंटिन्यूअस नहीं आता, बीच में कुछ छिनौने आ जाते हैं, राइट, कुछ स्पाइक्स आ जाती हैं। ये छिनौने क्या होते हैं, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, राइट, के अल्फा के बीटा के गामा जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो खैर अभी हमें इससे मतलब है, आपको बोला गया है कि कट ऑफ वेवलेंथ है ये आपको दी हुई है 45×10⁻³ नैनोमीटर। तो इस प्रोसेस में जो फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी निकल सकती है वो इसके करेस्पॉन्डिंग निकल सकती है, तो आप लिख दो hc/λ, इतनी मैक्सिमम एनर्जी निकल सकती है। h की वैल्यू आपको बोला 6.62×10⁻³, c की वैल्यू आपको बोला दिस, और कट ऑफ वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, तो वही आपसे पूछा हुआ, यहाँ पेल दो 45×10⁻½, क्योंकि नैनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको सॉल्व कर आपका आंसर आ जाएगा 27,500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, चेक कर लेना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको आंसर रिपोर्ट करना है तो लगभग आपका 27,500। आप अच्छा खासा अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में बढ़िया डिफरेंस है, अच्छा डिफरेंस है,
तो आप देख सकते हैं चीज़ें अप्रॉक्सीमेट करके कि लगभग 27,000 के आसपास आपका मैक्सिमम एनर्जी आना चाहिए। भाई देख लेते हैं ये सवाल अपने को क्या कह रहा है। इफ डेल्टा आर वन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस इन रेडियाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स फॉर 3 and 4 इन अ हाइड्रोजन एटम एंड डेल्टा आर टू रिप्रेजेंट डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ स्टेशनरी एटम्स फॉर n=8 and 9 देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर वन अपॉन डेल्टा आर टू इज। तो भाई ये बोर मॉडल की बात हो रही। मॉडर्न फिजिक्स में जब हम बोर मॉडल पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो हम रेडियस वेडियस की बात करते हैं, राइट? भाई याद करो जो बोर अंकल ने बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr वो क्वांटिफाइड होता है nh बाई 2 पाई के बराबर, और mv स्क्वायर बाय r यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन के रोटेट होने का वो kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर के बराबर होता है, राइट? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इन दोनों को अपन सॉल्व करते हैं। तो क्या आपको याद है अपन रेडियस लिखते हैं ऑर्बिट का n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के जेड स्क्वायर, ये आता है रेडियस। भाई ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको सॉल्व करोगे आपको वैसे ही पता चल जाएगा। यहाँ पे जेड आना चाहिए, जेड क्यू स्क्वायर की जगह आप रख दो क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज होता है जेड टाइम्स ई और इलेक्ट्रॉन का होता है ई, तो ये हो जाएगा के जेड स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो रेडियस आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एन जेड। हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। मोस्टली कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, आपको सिर्फ n की वैल्यू काम की रखनी है। तो आपको बोला डेल्टा r1 रिप्रेजेंट्स रेडियस का डिफरेंस 3 and 4, मतलब आप सब सेम रख रहे हो, सिर्फ n चेंज रख रहे हो। तो डेल्टा r1 मतलब रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट माइनस रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। सिमिलरली डेल्टा r2 इज रेडियस ऑफ एट्थ ऑर्बिट माइनस रेडियस ऑफ 9th माइनस 8th करते हैं ना, 9th का ज्यादा रहेगा, ठीक है? आपको रेशियो पूछा है तो डेल्टा आर वन अपॉन डेल्टा आर टू इज आर 9 माइनस आर 8, नहीं गलती हो गई, आर 4 माइनस आर 3 अपॉन आर 9 माइनस आर 8। तो भाई फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ n को चेंज कर रहे हो, बाकी ये तो फलाना है पूरा, इसको मैं बोल देता हूं फलाना f, ठीक है? तो आप बोलोगे n स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर फलाना माइनस r3 मतलब 3 स्क्वायर फलाना, सही बात है, अपॉन r9 9 स्क्वायर फलाना माइनस r8 8 स्क्वायर फलाना। तो फलाना को मैंने फलाना बोला ही इसलिए क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप सिंपल इसको सॉल्व करो, 16 माइनस 9 अपॉन 81 माइनस 64 कितना आता है भाई, 7/17। आपका आंसर आ जाएगा 7/17। इसको आप सॉल्व करोगे भाई, ये डब्बा बना दी 17, 0.7 × 68, 20 भाई 0.41 आपका आंसर है, 0.41। ऑल राइट, भाई देख लेते हैं ये सवाल अपन से क्या कह रहा है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन 4000 एंगस्ट्रॉम रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन इतना। दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ रीजन हैविंग अल्फा पार्टिकल्स टू फॉर्म हीलियम प्लस आयन एमिटिंग अ सिंगल फोटोन। इन दिस प्रोसेस द हीलियम प्लस आयन फॉर्म्ड आर इन देयर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन इज, ठीक है? दो काम एक साथ हो रहे हैं भाई। पहली चीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की जा रही तो वो आपको आना चाहिए। दूसरी चीज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात हो रही है, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की बात हो रही है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है? तो इन दोनों को मिला के सवाल पूछ लिया गया। आपको बोला गया 4000 एंगस्ट्रॉम का रेडिएशन पड़ रहा है एक ऐसे सरफेस पर जिसका वर्क फंक्शन कितना है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? ये रेडिएशन है, इसका वेवलेंथ कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो क्या आप निकाल सकते हो कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, या इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिख सकते हो, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा माइनस मेटल का वर्क फंक्शन उसका हफ्ता।
तो एच सी को आप लिख सकते हो 1242 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉम को आप लिख सकते हो 400 नैनोमीटर माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। नैनोमीटर नैनोमीटर चल बसा, लगभग लगभग चेक कर लेना, ये आना चाहिए 4.1 चेक कर लेना, माइनस 1.9 लगभग लगभग 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इनकी काइनेटिक एनर्जी के आनी चाहिए, देख लेना है कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, आपको बोला गया है कि इसको बोल देते के, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का काम खत्म हो गया। आपको बोला है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक ऐसे रास्ते से गुजरेंगे जहां पे अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम 2+, करेक्ट, यही अल्फा पार्टिकल होते हैं। तो जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ संभोग करेगा तो क्या वो हीलियम प्लस मॉलिक्यूल बना लेगा, राइट, 2+ था, एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो हीलियम प्लस बना लेगा। तो ये काम करने में एक सिंगल फोटोन रिलीज हुआ, राइट, ये इस फोटोन की याद में यहाँ पे ये फर्रा बना देते हैं, दिस फोटोन। इन दिस प्रोसेस द हीलियम आयन दस फॉर्म्ड आर इन देयर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ये भाई साहब अपनी चौथी चरम सीमा पे होंगे, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 5 पे होंगे, राइट, काहे काहे कि n इक्वल टू 1 कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं है, ग्राउंड स्टेट है, n इक्वल टू 2 पहली एक्साइटेड स्टेट है, तो सिमिलरली फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब है 5th पे, राइट। तो इस कॉम्बिनेशन में एनर्जी रिलीज कितनी हुई, राइट, तो ये अपने साथ दहेज में कुछ एनर्जी लेके आए थे के, राइट, और ये अल्फा पार्टिकल थे और ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में, तो आप हीलियम का फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब 5th इसकी एनर्जी लिख सकते हैं कितनी है, राइट, एनर्जी ऑफ 5th शेल भाई, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो बोल देना कुछ कांस्टेंट टाइम्स जेड स्क्वायर मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर टाइम्स एन स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर कांस्टेंट टाइम्स 4/25 ये, राइट, तो इसको आप रिलेट करो तो आपको कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो पता चल जाएगा, ये आ रहा है लगभग 3.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑल राइट। भाई देख लेते हैं ये सवाल अपन से क्या कह रहा है, कंसिडर अ हाइड्रोजन लाइक आयोनाइज्ड एटम विद एटॉमिक नंबर जेड एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन, इन दिस एमिशन स्पेक्ट्रम द फोटोन एमिटेड इन द 2-1 ट्रांजिशन हैज एनर्जी इतना हायर दैन द फोटोन एमिटेड इन 3-2 ट्रांजिशन, गिवन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, ठीक। तो भैया हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम का डेटा आपको दिया है कि भाई जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है वो आपको दी हुई है 13.6, इसी को अपन आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, राइट, कायदे से नेगेटिव होती है माइनस 13.6, इसका मतलब इतनी एनर्जी दे के हमें उस इलेक्ट्रॉन को छुड़वाना पड़ेगा, राइट। तो अगर ये जो भी एटम है, मान लो फलाना एटम है, इसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो इसके फर्स्ट जो ऑर्बिट होगी उसकी एनर्जी कितनी होगी, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, मतलब ये माइनस 13.6 जेड स्क्वायर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको बोला है इस एटम में जिसका एटॉमिक नंबर जेड है दो ट्रांजिशन की बात की गई है, 2-1 और 3-2, राइट, और आपको बोला है कि जो 2-1 ट्रांजिशन है, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, 1 की एनर्जी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, करेक्ट, 2 की एनर्जी माइनस 3.4 जेड स्क्वायर, राइट। मैं हाइड्रोजन वाले ही लेवल्स लिख रहा हूं पर उसमें मैं जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है जेड। तो आपको बोला गया कि फोटोन एमिटेड इन 2-1 ट्रांजिशन हैज एनर्जी इतना हायर 2-1 ट्रांजिशन, इसको बोल देता हूं लैम्डा 2-1, देन 3-2 ट्रांजिशन, इसको बोल देता हूं लैम्डा 3-2, तो एच सी बाय लैम्डा 2-1
इज एच सी बाय लैम्डा 3 2 प्लस 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई वो लाइन यही कहना चाह रही है कि 2 to 1 ट्रांजिशन में 3 to 2 ट्रांजिशन से ज्यादा एनर्जी है, और कितनी ज्यादा एनर्जी है, 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। तो एच सी बाय लैम्डा 2 1 इसकी जगह आप रख दो ये चीज, राइट, दिस माइनस दिस, ये गैप, करेक्ट। और एच सी बाय लैम्डा 2 3 उसमें आप ये गैप लिख दो, तो ये जब सॉल्व करोगे तो आपको एक ही वेरिएबल है जेड, ये मिल जाएगा जेड इक्वल टू 3, राइट। तो ये किसकी बात हो रही है, ये लिथियम एटम की बात हो रही है, जेड इक्वल टू 3 किसका होता है, लिथियम, ठीक है भाई। देख लेते हैं ये सवाल अपन से क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ आयन हैज एंगुलर मोमेंटम इतना, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज व्हाट। ए नॉट की वैल्यू बताई हुई है बोर रेडियस, मतलब हाइड्रोजन का एन इक्वल टू 1 का रेडियस, राइट। लिथियम 2+ आयन है और इसका एंगुलर मोमेंटम दिया है जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में 3h/2π। तो बोर मॉडल याद करो, बोर मॉडल में बताया था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो nh/2π के बराबर होता है। n क्या होता है, वो जिस भी शेल में है उसके बराबर, करेक्ट। तो कहने से यहाँ पे n इक्वल टू 3 आएगा कंपेयर करोगे तो, और n इक्वल टू 3 आएगा तो आपको बोला है कि इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी है, तो बाय डी ब्रॉगली लॉजिक ये h अपॉन p हो जाएगी, h अपॉन mv, करेक्ट। तो मुझे बस कैसे भी करके ए नॉट रिलेट करना है, राइट। ए नॉट क्या है, हाइड्रोजन एटम का n इक्वल टू 1 का रेडियस, राइट। तो रेडियस कितना होता है ए नॉट का, आप हाइड्रोजन एटम के लिए लिख दो, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, याद है आपको, राइट। तो हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू कुछ कांस्टेंट टाइम्स ए नॉट, कांस्टेंट की वैल्यू के गिवन तो आर ए नॉट, और इसके लिए आपका जो रेडियस होगा वो होगा ए नॉट इंटू एन स्क्वायर यानी कि 3² बाय जेड, लिथियम का जेड इज 3, तो 3a0 आ जाएगा, तो इसका रेडियस 3a0 आ जाएगा, तो ठीक है भाई। तो रेडियस की वैल्यू आ गई 3a0, और इसको यहाँ पे पिल देंगे h अपॉन mv, तो mv की वैल्यू nh/2πr लिख दें, nh/2πr, r की जगह 3 times a0, h चल बसा, n की वैल्यू आ रही है आपकी 3, तो 3 और 3 कट गए, ये आपका आ गया 2π a0, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू 2π a0 आ गई ऑप्शन ए, ऑल राइट। भाई देख लेते हैं ये सवाल अपन से क्या कह रहा है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6 माइक्रोमीटर फॉल्स ऑन अ फोटोसेल एंड कॉजेज द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.5, विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.4 माइक्रोमीटर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.5, विद दिस डेटा द वैल्यू ऑफ h/e इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मतलब अपन को h/e की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, e की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो हमें इस डेटा के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है। अपना दिमाग मत लगाना सी सर कि h तो हमें पता है, e की वैल्यू भी हमें पता है, सिंपल डिवाइड करके आंसर हम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। इस डेटा के अकॉर्डिंग जो h आ रहा है और इस डेटा के अकॉर्डिंग जो e आ रहा है उसका रेशियो आपको बताना है। तो आपको बोला कंसेप्चुलाइज करो, ये मेटल है ठीक है, 0.6 माइक्रोमीटर का लैम्डा, मतलब मान लो इसको लैम्डा 1, 0.6 माइक्रोमीटर, ये जब पड़ता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 आता है जो आपको दिया 0.5 वोल्ट, राइट। एक और केस दिया है, जब दूसरा लैम्डा पटका जाता है कितना, 0.4 माइक्रोमीटर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दूसरा आता है, दैट इज 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो h/e की वैल्यू, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्रेशन लिखो, कैन आई से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो पहले केस में लिखूं अगर, तो ई टाइम्स, पहले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल 1/2 इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस 5, ठीक है। दूसरे केस में लिखें अगर, तो ई टाइम्स 1.5 यानी कि 3/2 इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 2 माइनस 5, राइट। लैम्डा 1 की वैल्यू आपको मालूम है 0.6, लैम्डा 2 की वैल्यू 0.4, इन दोनों को सॉल्व करो और h/e की वैल्यू निकालो।
तो इसमें से ये घटा दोगे तो फाइ तो चल बसेगा, दिख रहा है आपको, और 3 बाई टू ई माइनस 1 बाई टू ई, इट इज ई, करेक्ट, डेढ़ में से आधा घट गया ई, और एच सी बाय लैम्डा टू माइनस एच सी बाय लैम्डा वन, ये हो जाएगा एच सी कॉमन ले लिया, वन अपॉन लैम्डा टू माइनस वन अपॉन लैम्डा वन। आपको एच बाय ई चाहिए तो एच बाय ई की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू, इसका एलसीएम एलसीएम लेके ऊपर नीचे नचा दो इसको, अपॉन सी, सही है क्या? ये सॉल्व कर दो, लैम्डा वन आपको पता है, लैम्डा टू आपको पता है, सी आपको पता है, तो एच बाई ई की वैल्यू आपकी आ रही है इतना, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, तो आपको क्या रिपोर्ट करना है, 4, ऑलराइट। तो बेसिक क्वेश्चन अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भी देख लेते ये सवाल अपने से क्या कह रहा है, दैट ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन ऑल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी इज दिस दिस एंड दिस, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक, क्या क्या सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब है, एक अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम 2 प्लस भाई साहब, ये पता होना जरूरी है, और एक प्रोटॉन भाई साहब, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम है इनकी माशाल्लाह, ठीक है, और इनके जो वेवलेंथ है वो लैम्डा ई लैम्डा ए और लैम्डा पी। कंसेप्चुलाइज करो प्रॉब्लम को, लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलती, एच अपॉन पी, भाई डिब्रॉइल ने बताया था डिब्रॉगली वेवलेंथ, तो एच तो सबके लिए सेम रहेगा, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन एम टाइम्स वी, मतलब आपको एम इंटू वी निकालना है, क्या सीन है, गिवन दैट तीनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय टू एम, तो अगर बराबर है तो आप बोलोगे p इलेक्ट्रॉन स्क्वायर बाय टू टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू p अल्फा पार्टिकल स्क्वायर बाय टू टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू p प्रोटॉन स्क्वायर बाय टू टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, करेक्ट। तो ये रिलेशन आपको पता है, और आपको क्या कंपेयर करना है, लैम्डा, लैम्डा मतलब h अपॉन p इलेक्ट्रॉन, h अपॉन p अल्फा, h अपॉन p प्रोटॉन, ठीक है, तो जिसका p मतलब मोमेंटम मैक्सिमम होगा उसका लैम्डा मिनिमम होगा, जिसका मोमेंटम मिनिमम होगा उसका लैम्डा मैक्सिमम होगा। भाई मासेस के रेशियो तो आपको पता ही है, एम ई एम अल्फा और एम पी, प्रोटॉन का जितना मास होता है अल्फा पार्टिकल का उससे डबल मास होता है, राइट, तो इसको अगर आप m बोलोगे तो इसको 2m बोलोगे, करेक्ट, तो अगर इसका मास डबल है और ये पूरा रेशियो कांस्टेंट है तो मोमेंटम का रिश्ता आ जाएगा, राइट, इसी तरीके से डालो, चारों ऑप्शन में मैच करो, ये आपका गलत ऑप्शन आएगा, आपको क्या बताना है इनमें से क्या सच नहीं है, इसमें आपका आ जाएगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए लैम्डा ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ज्यादा आएगा नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कम आएगा, और मोमेंटम कम आएगा तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ज्यादा आएगा, तो ये ट्रू है, तो ऑप्शन में जो दिया है वो नॉट ट्रू है, इसलिए आपको मार्क करना है ए, ऑलराइट। भाई देख लेते हैं ये सवाल अपने से क्या कह रहा है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम ऑफ एटॉमिक नंबर जेड इज सेम एज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन जेड की वैल्यू कितनी है। तो एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, बताया हुआ है इसका एटॉमिक नंबर है जेड, और एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन लाइक एटम की जो ब्रैकेट सीरीज है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, राइट, इंफॉर्मेशन को ढंग से डिकोड करो, ब्रैकेट सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और हाइड्रोजन एटम है उसके बामर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, राइट, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लार्जेस्ट एनर्जी क्या, राइट, लार्जेस्ट एनर्जी क्या, और इधर भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लार्जेस्ट एनर्जी क्या, राइट, तो अगर ब्रैकेट का लार्जेस्ट एनर्जी ग्राफ है लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट,
मतलब फाइनल शेल क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक शेल 4। और लार्जेस्ट एनर्जी गैप कब होगा, जब इन्फिनिटी से 4 की बात की जाए। सिमिलरली बामर, बामर मतलब n इक्वल टू 2, और लार्जेस्ट एनर्जी गैप मतलब 2 से इन्फिनिटी के बीच का एनर्जी गैप। तो इसको बोल देते हैं एनर्जी गैप 1, इसको बोल देते हैं एनर्जी गैप 2। आपको बोला गया कि ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ बराबर है, राइट? तो कर दो बराबर, बराबर कर दो। बराबर कैसे करोगे भाई, ये इसकी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी होगी -13.6 n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 1 की होती है -13.6, इसकी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन्फिनिटी की 0 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? रेफरेंस लेते हैं हम इन्फिनिटी पे। ब्रैकेट जिसका एटॉमिक नंबर z है n इक्वल टू 4, -13.6 -3.4 -1.51 एंड लिख लेना -13.6 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइम्स z स्क्वायर, और इसकी अगेन 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बराबर कर दो इसको, -13.6 अपॉन 16 z स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू -3.4, राइट? इसको सॉल्व करो, z स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। मतलब ये किस एटम की बात हो रही, हीलियम एटम की बात हो रही है, और क्योंकि हाइड्रोजन लाइक है तो आप इसे हीलियम प्लस कंसिडर करो, राइट? भाई देख लेते हैं ये सवाल अपने से क्या कह रहा है। इन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय द बोर मॉडल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। अच्छा, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, बोर मॉडल की बात करनी है आपको। दो बातें बहुत ही क्रूशियल बोली थी बोर भाई साहब ने, कि भाई ये जो भी मॉडल है इसमें ये न्यूक्लियस है और उसमें इलेक्ट्रॉन फेरे काट रहा है चारों तरफ, राइट? कुछ बोर रेडियस मान लो, अगर हाइड्रोजन एटम है तो बोर रेडियस, नहीं तो समथिंग एल्स, ठीक है? तो बोर भाई साहब ने आर्ग्यू किया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है। तो के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एरा गैरा नहीं हो सकता, वो क्वांटाइज होगा, राइट? ये दोनों बातें बोर भाई साहब ने बोली थी। तो आपको पूछा गया कि जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे, कैन आई से ये नेट फोर्स एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो प्रोपोर्शनल किस चीज से है, राइट? जेड और एन के टर्म्स में, राइट? एन और जेड के टर्म्स में वो किस चीज से प्रोपोर्शनल है। तो कैन आई से आप वैल्यूज इन दोनों को रखें और सॉल्व करें, राइट? भाई आपका एम वी स्क्वायर बाय आर, तो आर की वैल्यू अगर आपको याद है तो वो एन स्क्वायर बाय जेड आती, वी की वैल्यू अगर आपको याद है तो वो जेड बाय एन आती है। तो वी स्क्वायर बाय आर, दिस मीन्स जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन आर, एन स्क्वायर अपॉन जेड। उल्टा टाँकोगे तो जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 4 आ जाए, राइट? एम टाइम्स जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑलराइट? वी की और R की डिपेंडेंस ऑन Z और N, ठीक है भाई? भाई देख लेते हैं ये सवाल अपने से क्या कह रहा है। इफ मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज इतना, देन डी ब्रॉयल वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन ऑफ एनर्जी इतना इज। भाई एकदम लप्पू सवाल पूछ लिया, बेसिक मास दिया हुआ है न्यूट्रॉन का, ठीक है? डी ब्रॉयल वेवलेंथ पूछा है और क्या दिया हुआ है, एनर्जी, एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डी ब्रॉयल वेवलेंथ पूछा है, कहने से वो हो जाता है h अपॉन मोमेंटम, यानी कि m इंटू वी, राइट? और मोमेंटम आप लिख सकते हो अंडर रूट 2 एम के, राइट? k आपको दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2 एम के। एच तो जन्मजात कांस्टेंट है, हमें पता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है और k की वैल्यू दी हुई है, लैम्डा ऑफ दिस न्यूट्रॉन निकालो, राइट? दिस लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन
वैल्यूज डालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.6 × 10⁻¹⁻ मीटर्स। ऑल राइट, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रॉयल्स वेवलेंथ।